हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पसंदीदा सीरियल की एक अभिनेत्री के बारे में। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ अनुपमा में आपने उन्हें कई बार देखा है। हाँ दोस्तों, वो कई लोगों की चहेती भी रही होंगी, तो कई लोगों को वो अच्छी भी नहीं लगी होंगी क्योंकि वो अनुपमा की सौतनजो बनी थी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा में नज़र आने वाली उनका किरदार था श्रुति का। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रही हूँ सुकीर्ति कांडपाल की। हाँ दोस्तों, तो सुकीर्ति कांडपाल ने खोल दिया है अपने दिल का राज। हाँ दोस्तों, कई सालों बाद वो उनके और विवियन के ब्रेकअप पर बोल पड़ी। हाँ दोस्तों, सुकीर्ति कांडपाल ने उनके और विवियन के ब्रेकअप पर किया खुलकर बात। हाँ दोस्तों, सुकीर्ति ने बोला कि एक टाइम पर लोग कह रहे थे कि उनका विवियन डिसिना से अफेयर चल रहा है। हाँ दोस्तों, उनका विवियन डिसिना से लव अफेयर चल रहा है और उस बात पर वो कुछ नहीं बोली। पर आज जब विवियन डिसिना ने 2 शादियां कर ली है और आज वो एक हैप्पीली फादर है, उसके बाद सुकीर्ति कांडपाल ने उनके रिश्ते पर यानी कि उनके ब्रेकअप पर खुलकर बातचीत की है। हाँ दोस्तों, सुकीर्ति ने बताया कि विवियन और वो एक सीरियल कर रहे थे और उन दोनों के लव अफेयर की चर्चा काफ़ी चारों तरफ थी। पर दोस्तों, फिर उसके बाद विवेक ने शादी कर ली और सुकीर्ति अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई। फिर आज सालों बाद सुकीर्ति ने उनके ब्रेकअप पर क्यों तोड़ी है चुप्पी और सुकीर्ति ने क्या बताया है, हम बताते हैं आपको। हाँ दोस्तों, सुकीर्ति ने बताया कि उनका और विवियन का तो कभी अफेयर था ही नहीं। हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो तो टीवी इंडस्ट्री के या फिर किसी भी एक्टर को कभी डेट नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि वो कभी भी किसी टीवी एक्टर को डेट कर ही नहीं रही थी, तो उनके ब्रेकअप कैसे हो सकता है। और उन्होंने हमसे बात करते हुए ये भी बताया कि वो 2 सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी है। हाँ दोस्तों, तो ये था विवियन डिसिना और सुकीर्ति के ब्रेकअप पर सुकीर्ति की राय और सुकीर्ति की सच्चाई। ऐसी ही सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलती हूँ आपके लिए और नई नई खबरें लाने के लिए। बाय बाय।